अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक युवक से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। इसको लेकर पीड़ित जीवनलाल ने रामगंज थाने में दो युवकों के खिलाफ नामजद मामला भी दर्ज करवाया। जानकारी के मुताबिक जीवनलाल पैसे निकालने के लिए एटीएम गया था और यहां पर दो युवकों ने उसे झांसा देकर उसका एटीएम बदल लिया और एटीएम पिन की जानकारी भी उससे हासिल कर ली। इसके बाद एटीएम से पैसे नहीं निकलने पर जीवनलाल वापस लौट गया। वहीं दूसरे दिन बैंक जाने पर 90,000 रुपए निकाले जाने की उसे सूचना मिली। इसके बाद जीवनलाल ने रामगंज थाने में अज्ञात युवकों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करना शुरू कर दी है।